नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल पर मैं किरण आपका स्वागत करती हुई इस समय हो सकता है कि आपको मेरे बाल हेल्दी नरिश शाइनी अच्छे लग रहे हो राइट बट ऐसे बिल्कुल नहीं थे कुछ महीनों पहले क्योंकि मेरी हुई थी डिलीवरी अब डिलीवरी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि मैंने भी फेस किए बाल मेरे हो गए थे एकदम झाड़ू जैसे बेजान और ड्राई रफ और उनमें थोड़ी भी शाइन बची नहीं थी सो मैं काफ़ी दिनों से परेशान तो थी ही कि क्या करूँ मैं अपने बालों के लिए और इतना ज़्यादा बताऊँ समय भी नहीं रहता जब से मेरी डिलीवरी हुई है मेरी नन्ही सी जान मेरे पास आई है जो इस समय सो रही है मेरे बगल में ही है उसके आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा समय खुद के लिए नहीं रहता है तो मैंने बीच में सोचा था कि चलो रेमेडी वगैरह करती हूँ तो कुछ चीज़ें मैंने सर्च की तो पता चला कि गुड़हल बहुत अच्छा होता है मेरे मेरे कैसा के बालों के लिए कड़ी पत्ता बहुत अच्छा होता है अब मैंने सोचा कि चलो इन सबको कर भी लेते हैं पर करने का वो जो जेंडर बापरे वो फिर लगा कि यार एक दिन में कर लूंगी रोज़ रोज़ कैसे होगा फिर मुझे ऐसे लगा कि यार रहने देती हूँ जैसे बाल है वैसे ही चला लेंगे निभा लेंगे पर ख़ुद को देखो आईने में तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था बट देन आई गॉट टू नो कि मामा अर्थ ने ये सॉल्यूशन सॉल्व कर दी है और वो आ चुके हैं मामा अर्थ के हिब्स रेंज के साथ जिसका मेरे पास शैम्पू एंड हेयर ऑयल भी है सो so, मैंने इन्हें लगाया क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मामा अर्थ का ये जो रेंज है डैमेज को रिपेयर करने के लिए बहुत बढ़िया है सो so, ये रेंज में मेरे पास इस समय एक शैम्पू एंड हेयर ऑयल है और इस शैम्पू में हिब्स के साथ साथ कड़ी लीव्स भी है मतलब कड़ी पत्ता बोल सकते हैं सो so, इनके ऑयल में भी यही है तो so, दोनों में ये दो इन्ग्रीडियंट जो मेन इसके इन्ग्रीडियंट है वो है ये मेरे बालों को स्ट्रांग एंड नरिश बनाता है चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं अब देखिए बहुत सारे कारणों की वजह से हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं उनमें से मैं कुछ बता देती हूँ सबसे पहले तो देखिए पॉल्यूशन स्ट्रेस अच्छा खाना पीना अगर हम नहीं खाते तो अगर हम हमारे बालों का अच्छे से ध्यान नहीं देते तो या कोई मेडिकल कंडीशन है तो भी बाल डैमेज हो जाते हैं क्योंकि कई बार हमारे बॉडी में से न्यूट्रिशन विटामिन इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है तो हो ही जाता है सो so, बहुत सारे कारणों की वजह से डैमेज हो जाते हैं कारण कोई भी हो थोड़ा सा अगर आप केयर करो तो सब कुछ सही हो जाता है अब देखिए केयर करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है हेयर ऑयल एंड दिस हेयर ऑयल हैज जैसे कि मैंने बोला हिबिस्कस एंड करी लीव्स सो मैंने क्या किया इसे सबसे पहले लगाया एंड अच्छे से चम्पी ली इसे रूट में लगाकर अच्छे से मसाज किया एंड बिलीव मी ये बहुत ही हल्का फुल्का ऐसा हेयर ऑयल है बहुत चिपचिपा सा ऐसा नहीं है बिल्कुल स्टिकी नहीं है एंड द बेस्ट पार्ट इसकी वो जो धीमी धीमी सी एक खुशबू है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं इसे रात में ही लगा कर सो गई थी एंड ओवर इसे मैंने अच्छे से अपने बालों में काम करने दिया अगर आप तो नहाने से कुछ घंटों पहले आधे घंटे पहले भी अपने बालों में हेयर ऑयल लगा सकते हैं सो so, मैंने इसे अच्छे से लगाया मसाज किया एंड रिलैक्स हो गई एंड देन नेक्स्ट डे मैंने अपने बालों को वॉश किया वॉश करने के लिए मैंने ये शैम्पू का इस्तेमाल किया जिसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इसमें गुड़हल और करी पत्ता है अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या नोटिस किया वन वॉश में ही मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ बट ग्रेजुअली ये सारे जो अच्छी चीज़ें हैं मैंने अपने बालों में देखना स्टार्ट किया जैसे कि ड्राई रफ़ बाल मेरे पहले से बेटर हो गए वो थोड़े मॉइस्चराइज नरिश लगने लग गए उसी के साथ थोड़ा बहुत मुझे स्प्लिट स्प्लीटेंट्स था वो भी मैंने देखा कि काफ़ी हद तक अब कम हो चुका है एंड साथ ही साथ बालों में एक बहुत ही अच्छी एक ऐसी वाली मतलब आप देख रहे हो ना एकदम फुलर वाली लुक आ चुकी है क्योंकि ये नरिश बाल है और मैंने एक चीज़ नोटिस की ये पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं दे आर बिफोर मतलब थोड़ा सा झड़ना जो है of course मैं मानती हूँ कि कम हुआ है सबसे अच्छी बात कि मैं इन दो प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज कर सकती हूँ मतलब ट्वाइस और ट्राइस इन अ वीक में ये हेयर ऑयल लगा सकती हूँ जब भी हेयर ऑयल लगा रही हूँ अपने बालों को धो सकती हूँ अगेन वही दो से तीन बार हफ्ते में यूज़ कर सकती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है कि यार ये केमिकल से भरा होगा बिकॉज इट्स मेड सेफ अब मेड सेफ होता क्या है कि इनमें कोई भी केमिकल नहीं है हार्मफुल टॉक्सिन्स नहीं है इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता है मेड सेफ सर्टिफाइड तो ये दोनों प्रोडक्ट वही है एंड डैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो रिज़ल्ट है मुझे बहुत कम दिनों में देखने मिल गया अपने बालों पर सो so, ये एक टेंशन मेरी ख़त्म हो गई कि अब मैं अपने बालों पर सिर्फ अच्छी चीज़ लगा रही हूँ तो ये तो मेरे बालों को हेल्दी इसीलिए और अच्छे से बना रहा है सो so ओवरऑल एक चीज़ देखा जाए तो ये प्रूफ होती है कि इसमें जो हिबिस्कस है और करी लीव्स है ये मेरे बालों को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ड्राई एंड रफ बाल जो थे अब नरिश लगने लग गए हैं काफ़ी अच्छे लगने लग गए हैं शाइन आप नोटिस कर सकते हैं मुझे खुद अपने बालों को बार बार हाथ लगाना अच्छा लग रहा है बिकॉज दे आर फीलिंग सो सॉफ्ट एज वेल तो ये सारे चेंजेस जो है ऑफकोर्स मेरे बालों में आप भी नोटिस कर पा रहे हैं एंड द बेस्ट पार्ट गाइज़ आपके बाल किसी भी टाइप्स के हो ड्राई हो ऑयली हो या आपके बालों का जो टेक्सचर है वो वेवी हो स्ट्रेट हो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल हेयर टाइप्स है सो ओवरऑल so, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा मेरा समय बच गया कि मैं वो गुड़हल का फूल लाती करी लीव लाती और फिर कुछ ऐसा बनाती और अपने बालों को लगाती और फिर थोड़ा मतलब मुझे भी इंतज़ार करना पड़ता कि यार मैंने जो फॉर्मुलेशन डाला है अपने ऑयल में घर पर बना हुआ क्या मैंने गुड़हल का क्वांटिटी सही लिया है क्या मैंने कड़ी पत्तों का क्वांटिटी सही लिया ये सब देखो साइंटिफिकली हमें एग्जैक्टली exactly पता भी नहीं होता कि कितना लेना है हमारे बालों के लिए कितना यूजफुल है राइट तो मामा तो अर्थ वगैरह के इस तरह के रेंज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हाँ हमें सही मात्रा में सारी चीज़ें मिल जाती है और हमारा समय बच जाता है हमारे बाल भी अच्छे हो जाते हैं तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ अब मेरी ये जो बेटी है वो चार महीने की होने वाली है और चार महीने के अंदर मैंने अपने बालों का डैमेज ठीक करवा लिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम सॉर्टेड लाइक मेरे बाल सॉर्टेड रहेंगे तो वैसे ही थोड़ा सा अच्छा मेरा लुक आएगा मैं हैप्पी रहूँगी मुझे अच्छा फील होगा एंड और मुझे क्या चाहिए एंड मुझे बस दो स्टेप्स तो फॉलो करने हैं हेयर ऑयल जो कि मैं नॉर्मली भी लगा ही रही थी बस उसे रिप्लेस करके मैंने अपना ये हेयर ऑयल कर लिया नॉर्मली मैं अपने बालों को धोने के लिए जो एक रेगुलर शैम्पू लगा रही थी उसे रिप्लेस करके ये शैम्पू कर दिया बस कितना आसान है मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ताम नहीं करना पड़ रहा है अपने बालों के डैमेज को ठीक करने के लिए सो ओवरऑल आई लाइक Kit, कि ये रेंज मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड अगर आप भी सोच रहे हो कि यार हम भी ट्राई कर लेते हैं हम भी हमारे बालों का डैमेज ठीक कर लेते हैं सो so मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन flipkart, नाइका पर्पल पर मिल जाएंगे बहुत आसानी से और साथ ही साथ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी मिल जाएगा और उनकी ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर भी मिल जाएगा और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते ब्यूटीफुल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो आपको एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा और ये कोड आप सिर्फ इनके ऑफिशियल ऐप एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यूज़ कर सकते हैं तो उठ गई है मेरी बिठिया रानी <laughs> थोड़ा सा अभी आ, उठने वाले औरे, 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 हा, हा, हा। चलो सबको बता देते हैं अगर आप नहीं जानते तो बता दूं सारे मामात के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री है हार्मफुल केमिकल्स से एंड वो बने हैं ऑल नेचुरल इन्ग्रीडियंट से एंड नॉट ओनली दिस एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन दी वेबसाइट टू अ ट्री डेट डे प्लान बाई ट्वेंटी ट्वेंटी मामा इज एमिंग टू प्लान वन मिलियन ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव हाँ ये इनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव है एंड नॉट ओनली दिस ये प्लास्टिक पॉजिटिव भी है दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज ओले 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 देखो 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 एंड साथ ही साथ क्या तुम जानती हो मामा अर्थ इज अ इंडियन ब्रांड तो हमारा सपोर्ट वोकल फॉर लोकल बनता है मैंने सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है डू चेक इट आउट मेक श्योर कि आप भी अपने बालों का डैमेज सही समय पर ठीक कर ले वरना बाद में यार वो झाड़ू जैसे बाल ना आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं है, मेरी जरूरत मैं जाती हूँ